मगध यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। रिजल्ट को लेकर अभी अभी नया दिशा निर्देश जारी हो चुका है। परीक्षा नियंत्रक ने अभी अभी न्यू गाइडलाइन जारी किया है रिजल्ट को लेकर। रिजल्ट कैसे चेक करना है, पहले बीए का रिजल्ट जारी होगा या बीएससी का या बीकॉम का। पार्ट वन के सभी स्टूडेंट्स को आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगा। 2019-22 पार्ट वन के जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। साथ ही साथ आपको एडमिशन और एग्जाम फॉर्म और परीक्षा से रिलेटेड भी जानकारी मिलेगा। पार्ट टू में आप लोगों का एडमिशन चल रहा है, जिनका नहीं हुआ है उसके लिए भी इस वीडियो में बताएंगे। और साथ ही साथ एग्जाम फॉर्म कब से शुरू होगा और परीक्षा कब से लिया जाएगा, सारी जानकारी इस वीडियो में बताई गई है। वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, लाइव प्रूफ, पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग अपने मोबाइल फोन का गूगल ओपन करें और सर्च बॉक्स में टाइप कर दें magadhyunivarsity.ac.in, लिखकर आपको सर्च कर देना है। जैसे ही लिखकर सर्च करेंगे आपके सामने एक नया विंडो वेबसाइट ओपन हो जाएगा। दोस्तों मगध विश्वविद्यालय से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन जारी होता है हमारे चैनल मौर्य गुरु एकेडमी पर सबसे पहले डाला जाता है। तो यदि अगर आप चैनल पर न्यू यूजर हो तो सब्सक्राइब कर लो, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख रहा होगा, क्लिक कर दो। आने वाली सभी जुड़ी जानकारी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा सबसे पहले। अब दोस्तों यहां पर बात कर लेते हैं जो बीए के स्टूडेंट्स हैं, जो बीएससी के हैं, जो बीकॉम के हैं। रिजल्ट आप लोगों का बीएससी का जारी होगा सबसे पहले, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सवाल कर रहे हैं कि सर पहले बीए का जारी होगा या बीएससी का या बीकॉम का। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पहला रिजल्ट जारी होगा बीएससी का साइंस वालों का, ठीक है। साइंस वालों का रिजल्ट पहले जारी होगा, सभी स्टूडेंट्स ध्यान से नोट कर लें जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं। अब आप लोगों को बताना चाहूंगा सभी स्टूडेंट्स को कि जितने भी जो बीएससी के छात्र हैं, ठीक है, बीएससी के छात्रों का रिजल्ट सबसे पहले जारी होगा। लेकिन इसमें कुछ छात्रों का रिजल्ट पेंडिंग में भी जाएगा, कुछ छात्रों का रिजल्ट कुछ स्टूडेंट्स प्रमोटेड भी होंगे, ठीक है ना। अब यहां पर यह भी जान लेते हैं कि कैसे आप लोगों का रिजल्ट पेंडिंग में जाएगा, क्यों जाएगा और कितने छात्र प्रमोटेड होंगे, इस वीडियो में सभी जानकारी मिलेगा। आपको यह बता दूं कि जो बीए और बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं उनका रिजल्ट कब जारी होगा, यह भी जान लीजिए। दोस्तों आप लोगों को बता दूं सबसे पहले कि बीए और बीकॉम का रिजल्ट जो है 10 जनवरी को जारी किया जाएगा, ठीक ना। 10 जनवरी को, 10 आखिर 10 जनवरी को क्यों जारी किया जा रहा है यह भी जान लेते हैं। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि बीएससी का रिजल्ट चेक कैसे करना है और बीएससी का रिजल्ट जारी कितने बजे होगा, कितने तारीख को, यह भी जान लेते हैं। बीएससी का रिजल्ट जो है आप लोगों का 6 जनवरी को जारी किया जाएगा, ठीक ना। 6 जनवरी को साइंस वालों का रिजल्ट जारी होगा। आखिर 6 जनवरी को क्यों हो रहा है, क्योंकि 2 जनवरी को विश्वविद्यालय और कॉलेज पूरी तरह से बंद है। बंद होने के कारण जो है अवकाश लगा हुआ है, अवकाश के कारण पूरी तरह से यूनिवर्सिटी बंद किया गया है, क्लोज किया गया है, जिसके अंडर में सभी कॉलेज भी बंद है। अब बंद होने के कारण 3 जनवरी को विश्वविद्यालय पूरी तरह से ओपन हो जाएगा, यानी खुल जाएगा। खुलने के बाद जो है आप लोगों को बता दूं कि पार्ट वन के छात्रों का 90% रिजल्ट पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है बीएससी के छात्रों का। जी हाँ, बीएससी का जो है 90% रिजल्ट तैयार हो गया है। बचा 10%, तो 10% बीएससी के छात्रों का रिजल्ट जो है 2 दिन में तैयार कर लिया जाएगा, ठीक है। बीएससी के छात्रों का 10% रिजल्ट 2 दिन के अंदर अंदर में अधिकारियों द्वारा क्लियर कर लिया जाएगा, यानी तैयार कर लिया जाएगा। अब 2 दिन के अंदर में तैयार होगा, 3 तारीख को विश्वविद्यालय खुलेगा, 2 दिन के अंदर में तैयार हो जाएगा, 6 तारीख को आपका कभी भी किसी भी वक्त रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा वेबसाइट पर। रिजल्ट चेक कैसे करना है इस वीडियो में जान लेते हैं, और कितने छात्र प्रमोटेड होंगे, कितने छात्रों का रिजल्ट पेंडिंग में जाएगा, ये भी बता देते हैं। तो दोस्तों इसी सूत्रों के अनुसार 10 जनवरी को बीए और बीकॉम का रिजल्ट जारी होगा पार्ट वन के छात्रों का, ठीक ना। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले तो आपको इस वेबसाइट पर आना होगा, जो आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि magadhyunivarsity.ac.in लिखकर सर्च करिए गूगल पर, उसके बाद आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ जाओगे। अब यहाँ पर रिजल्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर प्लीज सिलेक्ट कोर्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों, जो भी यहाँ पर देखिए, जो भी इन्फॉर्मेशन जारी होता है सबसे पहले डाला जाता है चैनल पर, ठीक ना। तो यहीं पर आपको जैसे कि पार्ट वन का जो है 6 जनवरी को यहाँ पर शो करना शुरू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आप आसानी से इस पर क्लिक करके यहाँ पर रोल नंबर और सर्च बॉक्स में टाइप करके आप आसानी से रिजल्ट अपना चेक कर सकते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पर जान लेते हैं कितने छात्रों का रिजल्ट पेंडिंग में जाएगा और कितने छात्र प्रमोटेड होंगे। दोस्तों पेंडिंग आखिर जाता क्यों है, रिजल्ट आखिर पेंडिंग होता क्यों है, ये जान लेते हैं। आप लोगों को पता है कि आप लोगों का परीक्षा जो है ओएमआर सीट द्वारा निर्धारित था, और आप लोगों ने ओएमआर सीट द्वारा परीक्षा लिया है, दिया है, ठीक ना। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर समझ लीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ओएमआर सीट में गोला भरने में गलती कर देते हैं, रोल कोड रोल नंबर लिखने में गलती कर देते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, मान लीजिए आपको 2 लिखना है या 3 लिखना है, तो मान लीजिए यहाँ पर अगर हमको 4 लिखना है और गलती से हमने 3 लिख दिया, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए 3 मैंने लिख दिया गलती से, अब मुझको 4 लिखना है, तो इसी पर मैं 4 कर देता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों ये गलती हो गया, ठीक ना।
अगर हम इसको वाइटनर का इस्तेमाल करके इसको मिटा लेते हैं और मिटाने के बाद फिर से चार लिखते हैं तो फिर तो ठीक है। जैसे कि एग्जांपल, मैंने इसको ख़त्म कर दिया और यहाँ पर अब मैंने चार लिख दिया, तो ये गलती नहीं हुआ, ये बिल्कुल सही हुआ। अगर जिन छात्रों ने वाइटनर का इस्तेमाल किया है और वाइटनर से मिटा कर फिर से उसको दुरुस्त कर लिया है फिर तो ठीक है, और जो छात्र वाइटनर का इस्तेमाल नहीं किया उसी तरह लिख दिए हैं, तो दोस्तों आपकी जानकारी के अनुसार मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को कम पता होगा कि OMR सीट जो है ऑफलाइन चेक नहीं होता है, ऑनलाइन चेक होता है। ठीक है, मशीनों द्वारा चेक किया जाता है OMR सीट। अब OMR सीट जो है मशीनों द्वारा चेक होता है, अगर किसी भी तरह की गलतियां त्रुटि होती है तो उसको मशीन जो है एक्सेप्ट नहीं करती है। ठीक ना, ध्यान से नोट करें। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में सवाल होगा कि सर ऑफलाइन चेक नहीं होता है क्या? नहीं दोस्तों, ऑफलाइन चेक नहीं होता है। ऑफलाइन अधिकारियों द्वारा कोई भी OMR सीट निर्धारित नहीं चेक नहीं होता है, जो भी चेक होता है मशीनों द्वारा ऑनलाइन चेक होता है। तो ध्यान रखें, अगर किसी भी तरह की गलती किए हैं तो उसको त्रुटि यानी पेंडिंग में डाल दिया जाएगा, वही रिजल्ट आपका जो है पेंडिंग में चला जाएगा, फिर उसके बाद आपका सुधार होगा तब जारी होगा। तो सभी स्टूडेंट्स को आई होप कि ये जानकारी मालूम चल गया हो। अब कितने छात्र प्रमोटेड होंगे इसके बारे में दोस्तों अभी कुछ सूचना नहीं मिला है। अधिकारियों द्वारा लगातार सूचना प्राप्त किया जा रहा है, अधिकारियों द्वारा ये पता चल रहा है कि 3 तारीख को विश्वविद्यालय खुलेगा, उसके बाद ही कोई सूचना मिल सकता है। तो जो दोस्तों 3 तारीख को विश्वविद्यालय खुलने के बाद यह पता लगाया जाएगा कि कितने छात्र प्रमोटेड होंगे, कितने छात्रों का रिजल्ट पेंडिंग में जाएगा, आपको पता लगाकर सभी स्टूडेंट्स को बता दिया जाएगा। ठीक ना, तो आप लोग वेट करें। और यहां पर अब बात कर लेते हैं एडमिशन को लेकर। दोस्तों जिन छात्रों का एडमिशन अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, वह छात्र 3 तारीख को विश्वविद्यालय खुलने के बाद आप लोग जाकर पता करें कॉलेज में एडमिशन के लिए, जिन छात्रों का एडमिशन अभी नहीं हुआ है। ठीक है, जल्द से जल्द करवा लीजिए। और एग्जाम फॉर्म की बात करें तो एग्जाम फॉर्म एग्जैक्टली आप लोगों का जनवरी के लास्ट वीक में भरा जाएगा एग्जाम फॉर्म, अभी ऑनलाइन। ठीक है, एग्जाम फॉर्म जनवरी के लास्ट वीक में आप लोगों का भरा जाएगा। दोस्तों यहां पर बात कर लेते हैं परीक्षा को लेकर। परीक्षा जिन छात्रों का अभी तक, मान लीजिए पार्ट टू में जो आप लोगों का परीक्षा होने वाला है वो होगा फरवरी में। फरवरी में मगध विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक ने साफ स्पष्ट किया है कि आप लोगों का पार्ट टू का परीक्षा जो है फरवरी माह में लिया जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो को शेयर करें सभी स्टूडेंट्स के साथ, लाइक नहीं किए तो लाइक करें, चैनल को ज्वाइन कर लें सब्सक्राइब करके, टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाएं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, क्लिक करें और ज्वाइन हो जाएं, आने वाली सभी नोटिफिकेशन टेलीग्राम ग्रुप में डाला जाता है। चलिए धन्यवाद, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।